हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जी मेन एंट्रेंस एग्जाम का सेकंड सेशन का जो रिजल्ट है वो पोर्टल पे अपडेट कर दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, ये जी मेन एंट्रेंस एग्जाम के ऑफिशियल साइट है, gmain.nta.nic.in। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, और जैसे ही आप स्क्रोल करेंगे नीचे तो यहाँ आप देख भी सकते हैं, यहाँ कैंडिडेट एक्टिविटी में फर्स्ट ही URL फर्स्ट शो कर रहा है, डाउनलोड स्कोर कार्ड ऑफ जी मेन सेशन टू पेपर फर्स्ट, यानी आपका सेशन टू का जो स्कोर कार्ड है, रिजल्ट है, वो पोर्टल पे अपडेट हो चुका है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको अपना रिजल्ट जो है आप अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, उस पर सर्च करना है gmain.nta.nic.in। ये आपका ऑफिशियल लिंक है। इसके अलावा अगर आप दूसरे लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो दूसरी लिंक होगी, लेकिन ये आपकी ऑफिशियल साइट है। इस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे ही आपका लिंक दिया हुआ है। यहाँ मेंशन भी किया गया है gmain.nta.nic.in अबाउट जी मेन एंट्रेंस एग्जाम। इस पे क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ कैंडिडेट एक्टिविटी से आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका ऐसे परमिशन मांगेगा, उसके बाद आपको ओके करना है। फिर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। वही डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है जो आपने जी मेन एंट्रेंस एग्जाम की एप्लीकेशन फॉर्म पे फिल किया था। सेम आपको डे, मंथ और ईयर फिल करना है। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है, सबमिट कर देना है। आपका स्कोर कार्ड आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।